हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता में। फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके की ओवर साइज कुर्ती को कंधे पे से फिट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर ये कंधे का जॉइंट देखिए, इस कुर्ती में मेरे आना चाहिए था और आ रहा है इतना नीचे। तो इस तरीके की कुर्ती को फिट करने के फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो जुगाड़ शेयर करने जा रही हूँ। दोनों ही के लिए आपको स्लीव्स तो हटानी ही हैं। अब हटाने के भी दो तरीके हैं। अगर आपकी कुर्ती बहुत ज़्यादा बड़ी है, मार्जिन है इतना कपड़े में, तो आप कोई टांके तोड़ने या अलग अलग लेयरिंग काटने के चक्कर में मत पड़िए। सिंपली कैंची चला दीजिए, बाजू अलग हो जाएगी और जो चोली वाला पार्ट बचेगा उसमें हम बाद में शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों मैंने स्लीव्स निकाल ली। अब जो कटा हुआ है आया है ये हिस्सा, अगर ये आपके कंधे के हिसाब से आधा आधा इंच सिलाई का ही छोड़ने का है, तो आप यहीं पर अगले वाले भाग की शेप दे दीजिए, जो ऑब्वियसली इस तरीके से काटने से बिगड़ जाती है। लेकिन अब इस कुर्ती का, अब ये अभी भी जो कंधे का एरिया है, ये शोल्डर आ रहा है 17 और मुझे चाहिए 15 इंच, तो अभी भी एक एक इंच एक्स्ट्रा है। तो उस एक एक इंच में से मैं दोनों साइड आधा आधा इंच कपड़ा कट करूँगी और आधा आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयार जो नाप है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑल्ट्रेशन करना है। अब इसमें थोड़ा सा आगे के पल्ले को गहराई देते हुए काटेंगे मुड्ढे को, और पीछे वाले को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अगर आप थोड़ी भी सिलाई करते हैं तो आपको ये शेप पता होगी, नहीं तो आप किसी अपने तैयार वाले की, स्लीवलेस वाले की, या किसी की शेप देख के थोड़ा टैली कर लें कि ये शेप इस तरीके से आएगी। आगे वाला पल्ला थोड़ा सा गहराई में कटेगा और पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। अब बाजू जोड़ने से पहले आप चोली की भी फिटिंग कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे ब्रेस्ट एरिया में आपको दबाना है वो आप पहले सिल लीजिए और उसके बाद गोल बाजू इसमें चढ़ा दीजिए। इस तरीके से देखिए, अब ये मेरा पूरा 15 इंच के कंधे का पूरा तैयार हो गया। बदन में से आप सिंपली प्लेट या कमर पे शेप डालेंगे और सफाई से आपकी कुर्ती आपके नाप की हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। इसकी भी हम बाजू निकालेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं थी जितनी वो रेड वाली थी, तो इसके लिए मैं इसकी सिलाई खोलूँगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर सिलाई नहीं भी खोलनी तो आप इसको अलग अलग, मतलब लेयर्स में काटिए, पीछे का अलग, बिल्कुल सिलाई जहाँ पर है उसी के किनारे किनारे आप कैंची चलाएंगे, एक साथ नहीं काटेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी शेप है कुर्ते के मुड्ढे की वो मेंटेन रहेगी, हमें उसको दोबारा से शेप नहीं देनी है और हमारा कोई कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा कंधा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी कुर्ती एक्सट्रीम बड़ी है तो आप सिंपली ऐसे ही कट कर दीजिए, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बड़ी है, बस फिटिंग में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप सिलाई के पैरेलल पैरेलल बिल्कुल आराम से कैंची चलाइए। इस तरीके से ये अलग हो गई। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको स्लीवलेस कर लीजिए और सीधा बस इसको हेम करिए और आपके नए पैटर्न की कुर्ती रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों तरीके आसान लगे होंगे और समझ में आए होंगे। ट्राई, बने रहिए मेरे चैनल पे ऐसे ही क्विक और इजी काम के जुगाड़ों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।